सो व्यूअर्स, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। क्या आप जानते हैं किस तरह से बनाया जाता है बोल के? ये जो वर्क है कबर्ड शेल्फ बनाने के लिए, खासकर क्या है, कबर्ड मतलब आपका जो अलमीरा रहता है ना, सीमेंट में ही बना, सीमेंट मॉर्टर और कुछ 6 mm का रॉड लिया जाता है इसके लिए, उसमें बनाया जाता है। एंड थोड़ा सा उसको ज़्यादा टाइम लगता है, एंड इसका रेट भी मैं बताऊँगा इस वीडियो में। वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिए। अगर आप नए हैं चैनल पर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड सपोर्ट टू रीच 10 million सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब। लेट अस सी। एंड व्यूअर्स, ये जो वर्क चल रहा है इनके द्वारा, इन्होंने जो है गुत्तेदार, इन्होंने बंदिश एंड गिलावा दोनों वर्क ये करते हैं इनके द्वारा। एंड फिलहाल ये वर्क चल रहा है इधर वेस्ट फेस का घर है। इसका प्रीवियस वीडियोज़ आप देखना चाहते तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, उस लिंक को क्लिक करने के बाद आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलता है, मतलब प्लान से लेके सब कुछ। ओके, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इसका सपोर्टिंग कैसे किया गया। ये जो वर्क चल रहा है ना आपका बेडरूम में शेल्व्स रहते हैं उसके लिए बनाया जा रहा है, कुछ स्टोरेज पर्पोज उसके लिए। ओके, अगर आपको नए नए तरीके से स्टोरेज आप बनाते हैं तो एक डिज़ाइन, पर्टिकुलर डिज़ाइन इनको आप दिखाए तो उसके हिसाब से इन्हों बना के दे देंगे आपको। एंड इस तरह से इधर थोड़ा सा खुला जगह, इधर क्या है शर्ट वगैरह आप हैंग कर सकते हैं, तो उधर एक डस्टबिन भी रख सकते हो उस कोने में, तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं इसका मटेरियल क्या क्या लगता है ये बनाना है। तो ये आप देख रहे हैं ना सामने की तरफ, एक कबूतर जाली का इस्तेमाल किया है यहाँ पर। ये आपको 220 रुपये को एक बंडल मिलता है, 220 ऐसा कुछ तो रेट है, हार्डवेयर शॉप में आपको मिल जाता है ईजिली। ओके, उतना कॉस्टली नहीं पड़ता जितना नेसेसरी आप लाना चाहिए। ओके, एक 2-3 बंडल लग सकते फ़िलहाल। एंड ये जो वर्टिकल बार है आप चाहे तो 10 भी ले सकते हैं या फिर 8 mm का, डिपेंड ऑन, अगर अवेलेबिलिटी है तो आप वर्टिकल बार्स जो है ना 8 mm भी ले सकते हैं। एंड जो हॉरिजॉन्टल बार्स रहते हैं ऐसे इस तरह का लेटा हुआ बार, वो आप ले लीजिएगा 6 mm का। एंड यहाँ पे भी ये जो सपोर्टिंग मतलब एक कैंटिलीवर, इस बीम पे प्राइमरी मेन बीम पे क्या है, सेकेंडरी बीम सपोर्ट उसी तरह का एक्ट करता है ये भी, ये टॉप पे है या बॉटम पे है वो एक इम्पॉर्टेंट है, कौन सा रॉड ऊपर है ना कौन सा रॉड नीचे है ना। एंड इसको ड्रिल करके अंदर डाले जाता है, करीब करीब 1 से 1.5 inch तक अंदर जाता है, 1 inch गए तो भी ओके कोई बात नहीं, बस स्टिफनेस रहना समझो, नहीं गिरना सपोर्टिंग। इसके बाद का प्रोसेस आपको जानना चाहते तो मैं लिंक दे देता हूँ, उस पर आप चेक करना। ओके, और इसी सेम पैटर्न नीचे सपोर्टिंग देते हैं, ऊपर सपोर्टिंग देके सीमेंट माल भरते समझो। एंड व्यूअर्स, यहाँ पर भी इधर जो खुला जगह छोड़े थे इधर शेल्व्स आ रहे थे इस बेडरूम को पोर्शन को, तो यहाँ पे पूरा फुल पैक करते जितना भी है ना चिकन जाली की मदद से, क्या है पूरा फुल पैक करते। पैक करने के बाद फिर सपोर्टिंग एक पर्सन यहाँ से एक पाटा लगाते, फिर उस तरफ से एक पर्सन ये करके क्या चिपकाते समझो। 90 rupees पर स्क्वायर फीट का इसका रेट लेते हैं वर्कर्स के द्वारा। ये जो है किचन में सपोर्टिंग। ओके,